वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकल ज्ञात करना। तो इसका समाकल ज्ञात करने के लिए हम स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर या स्क्वायर रूट ओवर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सर्वप्रथम हम एक्स के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक रखना चाहेंगे। तो ये वन अपॉन स्क्वायर रूट ए, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये हमें मिल रहा है। अब वर्गमूल के अंदर जो राशि है इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा वन बाई रूट ए इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, और बी के स्थान पर यदि हम बी अपॉन टू ए पुट करें तो ये बी अपॉन टू ए का जो स्क्वायर है इसे हमें ऐड करना होगा और सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। ये b बाई टू ए का स्क्वायर, ये b बाई टू ए का स्क्वायर हमने ऐड किया और ये सब्सट्रैक्ट किया और ये c बाई ए प्रश्न में जो दिया हुआ था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पद है ये हमें पूर्ण वर्ग देगा। तो वन अपॉन रूट ए इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब इस पे दो अलग अलग स्थितियां होगी। स्थिति एक, यदि 4ac माइनस बी स्क्वायर ये धनात्मक राशि होगी तथा a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो अर्थात a भी धनात्मक राशि होगी, तब इससे हमें यह मिलेगा कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर धनात्मक होगा, या लिख सकते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो। इस प्रकार i इक्वल टू वन अपॉन रूट a इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना स्मॉल एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्मॉल डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल एक्स तथा स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल टू के। अब इन प्रतिस्थापनों को हम इस समीकरण में रख देंगे और आगे सरल करेंगे, तब आपको मिल जाएगा I इक्वल टू वन अपॉन रूट ए इंटीग्रेशन साइन डी कैपिटल एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये इस प्रकार के समाकलन हम हल कर चुके हैं। ये आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ कैपिटल एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर कैपिटल के स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल के स्क्वायर।
अब ये मान हम आगे रख देते हैं, तो आई इक्वल टू मिल जाएगा 1/√a इंटू लॉग एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में आपको मिल जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/√a इंटू लॉग ऑफ इन सब का जो हर होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2a, तो ये आपको मिल जाएगा 2ax प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2ax प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब इसे और सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/√a लॉग टू ए एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर और माइनस लॉग ऑफ 2a समाकल स्थिरांक 2a। लॉग ऑफ 2a को छोड़ने पर आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू 1/√a लॉग ऑफ 2ax प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 4abx प्लस 4ac। तो ये पहली स्थिति का उत्तर है। अब हम चलेंगे स्थिति दो में। स्थिति दो में देखते हैं कि यदि फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो हो, नेगेटिव नंबर हो, तथा ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तब इस स्थिति में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ये ऋणात्मक मिलेगा। तो इस स्थिति में समीकरण एक से हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू 1/√a इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको और यदि आगे सरल करके लिखना चाहें या फार्मूलेशन में लाना चाहें तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का स्क्वायर। अब इस स्थिति में हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, वो कुछ इस प्रकार कि माना x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू कैपिटल x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो d स्मॉल x इक्वल टू d कैपिटल x मिल जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन शून्य मिलेगा, तथा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इसको हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल K के बराबर है। तो इसलिए हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू 1/√a इंटीग्रेशन साइन डी कैपिटल एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर।
इस प्रकार के फलन का हम समाकलन कर चुके हैं, वन अपॉन रूट ए इंटू लॉग ऑफ कैपिटल एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर के एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब जो हमने प्रतिस्थापन किया था उसे, उन मानों को पुनः रख देते हैं x के स्थान पर, x प्लस बी बाई टू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। k का मान ये है, तो k स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा वन अपॉन रूट ए लॉग ऑफ टू ए एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ टू ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समाकल स्थिरांक लॉग ऑफ टू ए को छोड़ने पर आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन रूट ए लॉग ऑफ टू ए एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर, इसका इस पद का स्क्वायर कर देते हैं तो मिल जाएगा फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी एक्स प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। और यदि इसे और सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू रूट ए लॉग ऑफ टू ए एक्स प्लस बी प्लस टू रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इस तरीके से हम दिए गए फलन का समाकल हमने ज्ञात किया दो अलग अलग स्थितियों में। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न हम ले रहे हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है i, ये लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। वर्गमूल के अंदर जो राशि दी गई है इसे दो अलग अलग पदों के वर्गों के योग या अंतर के रूप में हमें प्रदर्शित करना होगा या फिर इसे पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि प्रथम पद आपका एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद टू एक्स है, तो इसका मतलब है कि b की जो वैल्यू होगी ये वन होगी। इसका मतलब ये कि इसमें हमें एक और वन चाहिए होगा, एक चाहिए होगा। तो थ्री को आप टू प्लस वन या वन प्लस टू हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस टू। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है। तो इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और 2 को हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और चूंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन आपको मिलता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके उपयोग से हम इसका समाकलन सीधे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर यहाँ पर है एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी पद से हमने ये पद लाया है तो डायरेक्टली हम ये पद लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। तो यही वह उत्तर है या यही वह फलन है जो कि हमें याद करने के लिए कहा गया था। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। तो इसका समाकलन करने के पूर्व पहले हम
इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं और दो पदों के वर्गों के अंतर या योग के रूप में हम ले आते हैं। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हैं 2 × 2 × x, ये x हो गया, ये भी x है, तो इसका मतलब ये कि दूसरा जो पद होगा ये 2 होगा। तो इसका मतलब ये कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का वर्ग हम जोड़ेंगे और 2 का वर्ग हम घटा देंगे, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से लेकर का यहाँ तक जो पद है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हमें दे रहा है, तो हम लिखेंगे 1/√x − 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा −4 + 2, आपको मिल जाएगा −2, और −2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि इस दिए गए फलन का समाकलन I हो तो लिखेंगे −4x + 2। इसी पद को सरल करके हमने ये लिखा है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं √x − 2 − √2 2। तो चूंकि आपको पता है कि √x² − a² ये होता है log(x + √x²) − a², तो इसका उपयोग करके हम इस पद का समाकलन सीधा लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा I = log(x), x के स्थान पर है x − 2, तो लिखेंगे x − 2 + √x² − a², अर्थात ये वाला पद, तो लिखेंगे x² − 4x + 2 + c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है 1/√15 − 4x − 4x². तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए या इसका समाकलन करने के लिए पहले हम वर्गमूल के अंदर दो अलग अलग पदों के वर्गों का योग या अंतर के रूप में इसे सरल कर लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें यह करना होगा कि ये जो 15 है, हम यह कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो वो हमेशा एक हो, तो इन सभी पदों में से हम 4 को या 4 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 15/4 − x − x². अब यदि वर्गमूल 4 को या √4 को बाहर लेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2, तो 1/√। अब देखिए 15/4 को यदि आप बाहर लें या 15/4 के बाद में यहाँ से आप माइनस को कॉमन लें तो ये आपको मिल रहा है x² + x। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम कुछ पद को जोड़ेंगे और घटाएंगे, वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ये 2, फिर √15/4 और फिर ये है x², 2 का गुणा कर रहे हैं और 2 का भाग कर रहे हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आ रहा है x। तो 2ab, तो b की जो वैल्यू है ये 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर अर्थात 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 √15/4। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये आपको मिल जाएगा x + 1/2 का स्क्वायर। ये माइनस और माइनस प्लस मिल जाएगा, 15 + 1 = 16, तो इसे हम लिख सकते हैं 16/4 − x + 1/2 का स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/√4 − x + 1/2 का स्क्वायर। अब तो इस पद को हम सरल करके यहाँ तक ले आए हैं। अब इस दिए गए फलन का समाकलन यदि I हो, अर्थात dx/√15 − 4x − 4x² हो, तो इसी पद को सरल करके हमने ये लाया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 √dx
स्क्वायर रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिलता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप x प्लस 1 बाई 2 को प्रतिस्थापित करके t लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वही उत्तर मिलेगा जो कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार साइन इनवर्स x अपॉन ए आपको इसका उत्तर मिल जाएगा 1 बाई 2, ये पहले से है। फिर साइन इनवर्स x बाई ए, x के स्थान पर है x प्लस 1 बाई 2 और a के स्थान पर है 2 प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा i इक्वल टू 1 बाई 2 साइन इनवर्स, ये 2x प्लस 1, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई ओवर हो जाएगा 4 प्लस c, जहाँ पर c समाकल नियतांक है या समाकलन नियतांक है। तो ये वह फलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला दिया गया फलन है x का e का पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 4 e का पावर x माइनस e का पावर 2x, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। माना कि i इक्वल टू है e का पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 4 e का पावर x माइनस e का पावर 2x dx। इसको सरल करने के लिए या फिर इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और हम e का पावर x को हम t लिखेंगे। दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर x dx इक्वल टू dt। अब इन मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण जो है कुछ इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। e का पावर x dx, इसको आप लिखेंगे dt अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 4 t माइनस t स्क्वायर। देखिए e का पावर x का स्क्वायर है ये बेसिकली, तो इस प्रकार आप इसको t स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न को हम थोड़ी देर पहले हमने हल किया था। इस वर्गमूल के अंदर जो पद है इसको दो पदों के वर्गों के योग या अंतर के रूप में लिखना है। तो ये आप लिखेंगे डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5। यदि आप यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t। 4t का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू टी। इसका मतलब है कि इसका जो दूसरा पद होगा वो आपको 2 मिल जाएगा, 2 का वर्ग अर्थात 4, 4 आप जोड़ेंगे और 4 हम घटाएंगे। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये टी प्लस 2 का होल स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस, देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, तो हम इसे लिख रहे हैं 9 माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले हमने सरल किया था, इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, x के स्थान पर है यहाँ पर t प्लस 2 अपॉन a, और ये 3 का स्क्वायर है, तो बेसिकली आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। या फिर आप t का मान e का पावर x रखेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स t अर्थात e का पावर x प्लस 2 बाई 3 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।